भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाता है। रथ बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाई जाती हैं। इसके लिए वन विभाग का अधिकारी मंदिर समिति को सूचना भेजता है। फिर पुजारी जंगल में जाते हैं और इन पेड़ों की पूजा करते हैं। इसके बाद चुने हुए पेड़ों पर सोने की कुल्हाड़ी से कट लगाया जाता है। इसके लिए इस कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से पहले स्पर्श करवाया जाता है और ये काम महाराणा जाति के लोग करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने के लिए नीम और हांसी की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। रथ यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का और बहन सुभद्रा का। इन 3 रथों को बनाने के लिए लगभग 884 पेड़ों के तने लगते हैं और ये तने 12-12 फीट के लंबे होते हैं। इन्हीं तनों के रथ पर खंभे बनाए जाते हैं। रथ बनने में करीब 2 महीने तक का समय लग जाता है। आपको बता दें कि रथ की लकड़ी चुनने का काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है। इसके लिए कील वाली या कटी हुई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। ये लकड़ी एकदम सीधी और शुद्ध अवस्था में होती है। रथ बनाने वाले कारीगर भी हमेशा वहीं पर रहते हैं और रथ बनाने के दौरान इन कारीगरों को भी कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि इस दौरान वे एक ही समय वो भी सादा भोजन करते हैं। इनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी उस समय अनिवार्य रहता है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति के कोई अनहोनी हो जाए तो उस व्यक्ति को रथ बनाने के काम से हटना पड़ता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।